I'm singing. अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम टू शाहजैन विद ममाज ब्लॉग। तो हम लोग जो है वो आज सुबह हम लोगों ने सोचा शाहजैन को छोड़कर हम लोग जो है केवीज पे वेट कर लें, क्योंकि अंदर बैठना बहुत ज़्यादा अब हेक्टिक लगता है और तीन तीन लोग बैठ नहीं सकते स्कूल के अंदर। तो उस वजह से हमने सोचा कि हम लोग केवीज पे अपना टाइम स्पेंड कर लें और कुछ अच्छा सा खा लें। फिर एक घंटे बाद शाहजैन की छुट्टी हो जाएगी, शाहजैन को लेकर उसको उसके लिए भी कुछ लेकर हम लोग घर चले जाएँगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो बर्गर्स मंगवा लें। देख रहे थे मेन्यू कि क्या अच्छा होता है, तो हम लोगों ने जो है पहले कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। उसके बाद सोचा कि थ्री क्रिस्पो बर्गर वाली डील हम लोग जो है वो ऑर्डर कर लें। तो हम लोगों ने तीन ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि अम्मा थी मेरे साथ और मेरी एक बहन थी हरम, वो थी। जोहा आई नहीं थी आज, वरना उनको भी आना था, लेकिन ये कि वो एक्सरसाइज करती है बहुत ज़्यादा, जिम जाती है सुबह सुबह, ट्रेनिंग पे जाती है या तो वो थक जाती है। तो उस वजह से हम लोगों ने ये यम्मी यम्मी बर्गर्स मंगवाए थे और जो है वो उसके साथ फ्राइज़ भी थे। तो घर आके फिर शाहजैन के लिए फिर मैंने जो है वो स्कूल से लेकर आके फिर मैंने ऑर्डर करा हुआ था, वो ऑर्डर भी आ गया था। तो वाइप्स मंगा लिए थे, क्योंकि वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और शाहजैन के लिए स्नैक्स वगैरह मंगा लिए थे, चॉकलेटो, बेबी सरलैक। ये वाला सरलैक बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें ओट्स होता है, तो थोड़ा सा पोमीग्रेनेट भी मिक्स होता है, तो वो बड़ा अच्छा मिक्सचर हो जाता है। ज़रा सी शुगर भी मिला देती हूँ, तो शाहजैन जो है बड़े अच्छे से खा लेता है। स्लाइस भी मैंने मंगा लिया था, क्योंकि शाहजैन को जूसेस और शेक्स और आइसक्रीम का ज़्यादा क्रेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू खाने पीने का। लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं कर सकते, कुछ खिलाए नहीं, तो उस वजह से मैं स्नैकिंग वगैरह या सिरलेक वगैरह खिला देती हूँ अगर कुछ नहीं खाता है। वैसे तो खाना ज़रूरी है, शाहजैन को कैटी चंस बहुत पसंद हैं, तो उस वजह से कैटी चंस तो लाजमी होते ही होते हैं। तो ये वाली चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हुई थी। चॉकलेटो भी शौक़ से खाता है, पहले नहीं खाता था इतना, कोकोमो शौक़ से खाता था, अब चॉकलेटो भी खा लेता है। देखें ये इन्जॉय कर रहे हैं अपना खाना, साथ में कैटी चंस भी चल रहे हैं और स्लाइस भी चल रहा है। स्कूल से आके थक जाता है तो मैं दो दफ़ा सुला देती हूँ। उसके बाद ये कि चीज़ें जब दिलाती हूँ स्कूल के लिए, तो फिर एंड में जब ये कार में आके बैठते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखती हूँ, क्योंकि आज रखा नहीं था हम लोगों ने। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ मंगा लूँ, उसके साथ सिरलेक भी आ जाएगा और वाइब्स भी आ जाएंगे। फिर ये जो है वो थोड़ा खेल वेल के थक गए थे, फिर इनको मैंने फीडर में डाल के दिया स्लाइस, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो एकदम से चीज़ फेंक देते हैं चाहे आप जितना भी समझा लें। तो उस वजह से फीडर में देना ज़्यादा ईजी लगता है, खा पी लेते हैं। फिर इनका मैंने जो है वो बैग जब चेक करा तो उसमें इनका जो है वो लेसन प्लान था अक्टूबर के लिए, तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो देखिए जैसे इन्होंने ये लाजमी देते हैं प्लान अपना, तो पेरेंट्स के लिए भी जो है बड़ी आसानी हो जाती है कि वो देखते हैं कि ये लोग क्या सिखा रहे हैं। देखें साउंड्स ऑफ द मंथ, एल लायन लैम्प लीफ इस टाइप का, नंबर ऑफ द मंथ 3। शाहजैन को अल्लाह का शुक्र है 1 से 5 तक काउंटिंग आ गई है, हालांकि शाहजैन अभी बहुत छोटा है, अभी 2 ईयर्स का भी नहीं है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि शाहजैन को अच्छे से अच्छा मैं जो है वो ट्रेन करूं। हॉर्स ऑफ द मंथ जीम, ऑपोजिट्स बिग स्मॉल कोल्ड, ये देखें शेप्स ये आप देख सकते हैं, और फिर जो है वो कलर्स वगैरह ये सब ये लोग क्लास में सिखा रहे हैं, मैं भी सिखाती रहती हूँ। ये देखें इन्होंने ये कलर किया है शाहजैन ने डॉल्फिन पे, ब्लू कलरिंग, वाटर पे ब्लू। और अभी कलर्स का इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी नया नया शुरू करा है, पेंसिल भी अभी पकड़नी नहीं आती है,
इंशाल्लाह आगे जाके अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से शाहजहाँ कर रहे थे। लेकिन शाहजहाँ को स्टार भी मिला है। उसके बाद हम इतना थक गए, फिर हम लोगों ने सोचा कि जो है वो हम लोग कुछ बाहर से खाएं। तो उस वजह से हम लोगों ने पिज़्ज़ा 2000 का बीफ बर्गर मंगा लिया विद फ्राइज, और ये पिज़्ज़ा मंगा लिया। यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इसकी जो सॉफ्टनेस है वो किसी भी पिज़्ज़ा में नहीं है इतनी। हालांकि आई लव डोमिनोज, बट इतनी सॉफ्टनेस किसी में भी नहीं है। अब शाहजहाँ जो है वो अपना डिनर करके पिज़्ज़ा खा के सिलेक्ट खा के सो गए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।